दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो जादू जरूर देखी होगी। चाहे ये जादू हमने अपने मोहल्ले गलियों में या किसी मंच पर या तो किसी टीवी शोज में देखे होंगे। कैसे मैजिशियन एक नॉर्मल जादू से डेंजरस जादू दिखाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। इन मैजिक्स को अगर कोई घर में करना चाहेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। पर ये जादूगर मौत को चकमा देकर अपना ये खेल लोगों को दिखाते हैं। एक लड़की को बीचों बीच से काटने से लेकर एक आदमी पर ट्रक चढ़ाने तक हर खतरनाक जादू देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि आखिर ये जादू सच में होते हैं या ये सब हमारी खींचते हैं। साथ में इनके पीछे के ट्रिक्स को भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी रोमांचक होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलिए देखते हैं इन महान जादूगर की जादूगिरी। नंबर 5, ट्रक ऑन मैन मैजिक। दोस्तों, इस मैजिक में एक ट्रक ड्राइवर हजारों किलो का ट्रक अपने साथी के ऊपर से चलाकर ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि अपने शरीर के ऊपर से इतना वजनदार ट्रक गुजरने के बाद भी वो आदमी सही सलामत रहता है और उठकर खड़ा हो जाता है। आखिर कैसे? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का ट्रिक। सबसे पहले बता दे कि ये कोई मैजिक नहीं है, इसे करने के लिए फिजिक्स का मदद लिया गया है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रक है उसके अंदर हजारों किलो का वजन रखा हुआ है, लेकिन वजन रखने का ढंग बिल्कुल अलग है। ट्रक के अंदर सारा सामान पीछे की तरफ रखा है और आदमी आगे के चक्के के नीचे लेटा है, क्योंकि उसको पता है कि ट्रक का सारा लोड पीछे वाले चक्के पर है और अगले चक्कों पर जीरो वेट है। इसके अलावा अगले दो चक्के जिसके नीचे वो बंदा लेटा है वो बेहद नरम टायर है, जिसके चलते उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। तो ये है ट्रिक इस जादू के पीछे का। नंबर 4, लड़की को बॉक्स में पैक करके तलवारों से छन्नी कर देना। ये मैजिक सबसे खतरनाक जादू में से एक है, जिसमें एक जादूगर अपने असिस्टेंट को एक गत्ते वाले बॉक्स में पैक कर देता है और बाहर से उस बॉक्स में कई नुकीली सरियों से बॉक्स को छन्नी छन्नी कर देता है, और उन सरियों को बॉक्स से वापस निकालने के बाद लड़की सही सलामत बॉक्स से बाहर आ जाती है। कैसे? इसके पीछे का ट्रिक जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस मैजिक को करने के लिए एक गत्ते वाले बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस बॉक्स में लड़की जब एंटर करती है तो वो बॉक्स के अंदर अपने बॉडी को इस पोजीशन में कर लेती है कि कोई भी नुकीली सरिया उसको छू भी नहीं पाती। लड़की बॉक्स के सबसे नीचे वाले दो परत से अपने आप को कवर कर लेती है। बॉक्स के सबसे निचला परत बहुत स्ट्रांग होता है। जादूगर जैसे बाहर से बॉक्स में सरिया चुभाता है, वो अंदर से लड़की को नहीं छूती बल्कि कवर्ड होने के कारण गत्ते के निचले परत से टकराकर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति ऊपर से सरिया चुभाता है तो वो वहाँ से साइड हो जाती है। और लास्ट में जब जादूगर उन सरियों को बाहर निकालता है तो वो लड़की बिल्कुल सही सलामत बॉक्स से बाहर निकलती है। नंबर 3, टोपी में से खरगोश निकाल के लोगों को टोपी पहनाना। दोस्तों, ये मैजिक पूरे दुनिया में काफी ज्यादा फेमस हुआ था, जिसमें एक जादूगर खाली हैट में से जिंदा खरगोश निकालकर लोगों को एंटरटेन करता है। इसके पीछे का ट्रिक बेहद आसान है। जादूगर जिस टोपी से खरगोश निकालता है वो टोपी एक टेबल पर रखा हुआ होता है और टोपी के अंदर एक होल होता है जो सीधा नीचे टेबल से जुड़ा होता है, जिसमें खरगोश मौजूद रहता है। दोस्तों, असल में ये जादू नहीं दिखाते बल्कि टोपी से खरगोश निकाल के लोगों को टोपी पहनाते हैं। नंबर 2, तलवार के ऊपर झूलना। दोस्तों, ये मैजिक ट्रिक भी खतरनाक ट्रिक में से एक है। इस मैजिक में व्यक्ति को तलवार के नोक पर सुलाकर तलवार उसके पेट से आर पार कर देते हैं और व्यक्ति तलवार से लटककर झूलता रहता है। इसके पीछे का ट्रिक ये है कि जादूगर को जिस तलवार पर लेटाते हैं वो कोई नॉर्मल तलवार नहीं बल्कि एक सिस्टम से बना होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति तलवार पर लेटेगा उसके शरीर पर भी एक सेफ्टी बेल्ट सिस्टम लगा होता है, जिसमें पीठ की ओर उस बेल्ट में छेद होता है। और जब व्यक्ति को तलवार पर लेटाया जाता है तो तलवार का सबसे ऊपर का नोक उस बेल्ट में घुस जाता है। बेल्ट के कारण व्यक्ति सेफ रहता है। यही ट्रिक है इस मैजिक के पीछे का। नंबर 1, लड़की को बीचों बीच काटकर अलग कर देना। दोस्तों, इस मैजिक ट्रिक को दुनिया का सबसे खतरनाक और जानलेवा मैजिक माना जाता है। इसमें व्यक्ति को एक टेबल पर लिटाकर बड़े कटर ब्लेड से बीचों बीच काटकर अलग कर देते हैं। देखने में जितना खौफनाक है ये ट्रिक उतना ही सिंपल है। दुनिया की नजरों में टेबल पर तो एक व्यक्ति लेटा है, लेकिन आपको बता दे कि टेबल पर एक नहीं बल्कि दो लोग होते हैं। इसमें सारा खेल टेबल का होता है, जिसमें पहला व्यक्ति अपना सिर से लेकर बीच के भाग को टेबल के ऊपर रखता है, बाकी शरीर को टेबल के अंदर बने स्पेस में बेंड कर लेता है। वहीं टेबल के दूसरे भाग में दूसरा व्यक्ति अपने कमर
से लात तक शरीर को टेबल के ऊपर रखता है और बाकी शरीर को टेबल के नीचे बेंड करके छिपा लेता है। ऐसे में उन दोनों लोगों के बीच खाली जगह बचती है और इसी खाली स्पेस में कटर ब्लेड चलती है, ना कि उन लोगों के शरीर पर। तो दोस्तों, कुल मिलाके ये कोई जादू नहीं बल्कि टेक्निक है, जिसका बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये जादूगर हमारे दिल को बहलाते हैं। काफी लोगों का ये भी मानना है कि जादू सच में होते हैं, पर आपको बता दें कि दुनिया में जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, होती है तो केवल हाथों की सफाई और विज्ञान। दोस्तों, आपने भी कोई जादू देखा है तो कमेंट में हमें जरूर बताना, और वीडियो ज्यादा इंटरेस्टिंग होने के कारण आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।